पेशेंस मैथ क्लासेस। आज हम लोग कुछ बेसिक मैथ सीखेंगे। आज हम लोग सीखेंगे ईएमआई कैसे निकाला जाता है, मतलब मासिक किस्त कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए कि एक बाइक का मूल आपको 94,000 रुपया है, एक बाइक का मूल आपको 94,000 रुपया है और कुल समय जो है 3 वर्ष आपने लिया है और ब्याज की जो दर है वह 12% दिया गया है, तो आपको उस वस्तु पर कितना मासिक रुपया देना पड़ेगा, किस्त कितना देना पड़ेगा, उस चीज़ को हम लोग चलते हैं बनाते हैं। सबसे पहले देखिए कि मान लीजिए एक आप बाइक लिए, ठीक है ना, और उस बाइक का जो मूल है 94,000 रुपया है और आपने 94,000 रुपया में जो है 24,000 रुपया जो है दे दिया है, जमा किया है आपने 24,000 रुपया जमा किया है। तो जब 24,000 रुपया आपने जमा किया तो 94,000 में आप 24,000 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 70,000 रुपया बचेगा। कितना हज़ार बचेगा, 70,000 रुपया। अब 70,000 रुपया के को जो है आप धीरे धीरे देना चाहते हैं, ठीक है ना, मासिक किस्त पर, तो आपको कितना पड़ेगा, हर महीना आपको कितना देना पड़ेगा, चलिए हम लोग निकालते हैं। तो सबसे पहले हम ब्याज निकालेंगे। ब्याज बराबर सूत्र होता है आपका मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100, मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100। तो मूलधन जो है आपका वह है आपका 70,000 रुपया कुल राशि, और समय जो है आपका वो समय दिया हुआ था आपको 3 वर्ष, देखिए 3 वर्ष, ठीक है ना, और जो दर था वो आपका 12 है, 12 लिख दिए, ठीक है ना, सेम टू सेम लिख दिए। अब देखिए 70,000 गुना 3 गुना 12 नीचे में है 100, चूंकि मूलधन गुना समय गुना दर बट्टा 100 होता है, तो 0 कट गया, 2 ऊपर 2 नीचे कट गया, तो 70 यानी यहाँ बचा 700, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 12, सभी को जब आप गुना कीजिएगा तो 25,200 रुपया होगा, सभी को जब गुना कीजिएगा तो 25,200 रुपया होगा, ये आपका ब्याज निकला, ठीक है ना। तो प्रत्येक महीना का जो किस्त आपको निकालना है ईएमआई, प्रत्येक महीना का आपको किस्त निकालना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, 70,000 जो आपका राशि था, 70,000 में वो आपका जो ब्याज निकला है उसको आप जोड़ दीजिएगा। ब्याज आपका निकला था कितना, 25,200, जोड़ने पर आपको आ रहा है 95,200 रुपया, ये आपको जोड़ने पर आ रहा है, ठीक है ना। अब आपको इसमें 3 वर्ष का निकालना है, 3 वर्ष में हर महीना आपको कितना लगेगा, ठीक है ना, 3 वर्ष के लिए हर महीना महीना आपको कितना जमा करना होगा। तो सबसे पहले आप देखिए करना क्या है कि दोनों को जोड़ दिए, जोड़ने पर कितना आया, 95,200 रुपया आया। 1 वर्ष बराबर 12 महीना, तो 3 वर्ष बराबर आपका 36 महीना होता है कि नहीं, तो आप 95,200 को भागा दीजिएगा 36 महीना, 3 वर्ष बराबर 36 महीना, 36 से जब आप भागा दीजिएगा तो 2644.44 रुपया, मतलब 2644.44 पैसा आपको लग रहा है, ठीक है ना, हर महीना आपको इतना क्या करना है, जमा करना है, ठीक है।